सर जी ये तो योगी नाथ हैं, पता नहीं कितने हो के जा लिए, जनसंख्या तो उसके हाथ में है, भगवान के, परमात्मा के, ईश्वर के, अल्लाह पाक के, कोई नहीं रोक सकता। वो जमीन में कीड़े को भी पैदा करता है सर जी, इंसान को जो बनाया है वो पढ़ लेने, इसी वास्ते बनाया कि जनसंख्या बढ़ाओ जाके, अरे ये रोकना चाह रहे तो परमात्मा का अजाब तो आना ही आना है। अच्छा, इंसान को बना है कि नीचे जाइए और जाकर जनसंख्या को बढ़ाइए, जनसंख्या को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, पैदा कीजिए, लेकिन उससे तो नुकसान होता है ज़्यादा। नुकसान कुछ नहीं, रोटी देने वाला वो है, खुवाने वाला वो है, पालने वाला वो है। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं जी, मैं तो सिर्फ पेंट का काम करता हूँ। पेंट करते हैं? हाँ, पेंट का काम करता हूँ, अंगूठा छाप। अंगूठा छाप है जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो बच्चे जो है ना, सच बताइए। हाँ, पाँच बच्चे के। पाँच बच्चे हैं, कितने लड़के और कितने लड़के? तीन लड़की, दो लड़के। तीन लड़की, दो लड़के। अरे हम तो उसमें निर्भर हैं जी, ऊपर ले गए। वो बगैर बाप के भी पैदा करते हैं। बगैर बाप के? हाँ। ये कौन सी नीति है, थोड़ा समझाइए। ये तवारीख है जी। तवारीख कैसे? मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान जी। जी अच्छा, मोहम्मद साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अभी एक बयान दिया कि जनसंख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है और उसको एक विशेष वर्ग ज़्यादा बढ़ा रहा है। माने तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो मुसलमान हैं यूपी के, उनको टारगेट किया है कि मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। क्या कहेंगे, जनसंख्या रुकनी चाहिए या जितने बच्चे हैं उस तरीके से होने चाहिए या दो बच्चे होने चाहिए? सर जी ये तो योगी नाथ हैं, पता नहीं कितने हो के जा लिए, जनसंख्या तो उसके हाथ में है, भगवान के, परमात्मा के, ईश्वर के, अल्लाह पाक के, कोई नहीं रोक सकता। वो जमीन में कीड़े को भी पैदा करता है सर जी। वो कहते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, अब इसको रोकना चाहिए। बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे, खाने पीने की सुविधा नहीं मिल रही, देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, काम बढ़िया कर रहे हैं आप, घटिया नहीं कर रहे। काम तो ठीक कर रहे हैं मगर उससे भी डरो, इंसान को जो बनाया है वो पढ़ लेने, इसी वास्ते बनाया कि जनसंख्या बढ़ाओ जाके, अरे ये रोकना चाह रहे तो परमात्मा का अजाब तो आना ही आना है। अच्छा, इंसान को बना है कि नीचे जाइए और जाकर जनसंख्या को बढ़ाइए, जनसंख्या को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, पैदा कीजिए, लेकिन उससे तो नुकसान होता है ज़्यादा। नुकसान कुछ नहीं, रोटी देने वाला वो है, खुवाने वाला वो है, पालने वाला वो है। हम ना पल सकते ना खा सकते सर जी, अगर वो यहाँ से बंद कर दे, एक दाना भी नीचे नहीं उतरने का। सब जो हो रहा है अल्लाह के रहमो करम से। हाँ, अल्लाह के रहमो करम से हो रहा, बिल्कुल सही है सर जी, उसी के कर्म की बात है। आपकी हमारी कोई मर्जी नहीं है इसमें? नहीं, सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह की मर्जी से, हमने तो एक बना रखा, एक, और साथ थी लड़की, और सबसे फारिग हुआ बैठा, गंगा जी ना हो बैठा, मैं तो साहब जी गंगा जी ना बैठे। हाँ अच्छा, आपके आठ बच्चे हैं? आठ हैं, सात लड़की और एक लड़का, और लड़का भी ऐसा है सर जी, पाँच की बराबर केला, पाँच की बराबर है केला, केला उसने ऊपर लेने दिया है। वो कहते हैं देखिए कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे तेल है, गैस है, ये तो कुछ लिमिटेड है, ये ज़्यादा नहीं है, अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो ये कम हो जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा, कैसे खाएंगे पियेंगे लोग धरती को? ऊपरला बढ़ावागा जी, गैस भी बढ़ावागा, वो भी बढ़ावागा, जो आप कह रहे वो उसके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम अगर चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। गैस वगैरह सब ऊपर वाला बढ़ा देगा? हाँ बढ़ा देगा, उसके आगे रोज से मांगो ना। अगर अपनी दादागिरी से कम कर देंगे, नहीं हो सकता। अगर योगी सोचते हैं कि हम ऐसे देंगे या बंद करवा देंगे, नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो तो परमात्मा के आगे रहो, ईश्वर के आगे रहो, खुदा पाक के आगे रहो, वो उसका इंतजाम कर देगा। एक दाने के ऊपर की बाढ़ आती है, कितने दाने लगते हैं, ये ऊपर वाले की प्रगति है सर जी, ऊपर वाले की प्रगति है। हाँ, खुदा का रहम है, उसका करम है, वो चाहे कुनबा का कुनबा निमटा दे।
एक घर के अठर दस दस पे देख के घर का घर बंद होता देखा, ताला भिड़ता देखा हमने। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, एक बार उनसे भी बात करता हूँ मैं। आपका क्या नाम हो गया? शहजाद। शहजाद जी, योगी जी कह रहे हैं कि जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। और एक विशेष वर्ग ज़्यादा बढ़ा रहा है, अगर माने तो उन्होंने सीधा सीधा तो नहीं कहा लेकिन घुमा फिर कहा, मुसलमान जो है वो जनसंख्या भारत में ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और इसको रोकना पड़ेगा जी। अरे को किस तरह रोक देंगे उसको, जो है ना जब तक जो है ना उसका हुक्म नहीं होने का वो पड़ लेगा। तो ऐसे इंसान की जो है कि भाई वो दो बच्चे बना लो तीन बना लो अपनी जरूरत के हिसाब से आएगा, नहीं मानोगे। ये शहजाद क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो ये कहूँ कि जो है ना अपने देश के अंदर सही होना चाहिए काम, खुशहाली भी आनी चाहिए, जनसंख्या होने चाहिए, बच्चे कम होने चाहिए। क्यों महंगाई ज्यादा देगी तो कहाँ पर ना उनको स्कूल दिखा सकते ना उनको पढ़ा सकते ना लिखा सकते। घर के अंदर जो है ना पाँच सात तो बच्चे हो गए और अकेला कमाने वाला तो उसका जो है ना हिसाब तो नहीं आता ना। अब वो बच्चों की फीस देगा या बच्चों को जो है ना वहाँ पढ़ा लेगा कुछ करेगा क्या करेगा, परेशानी। कितने दो बच्चे? अच्छे हाँ दो या तीन, तीन भी ज्यादा हो जाएंगे। दो बच्चे लड़का हो लड़की जो है ना बजे रुके जाएगा लगा गुरु कह लग गए भाई लड़के दो है भाई एक आधा लड़का और पैदा हो जाए। अब जब तक उसका हुक्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं लगा। बाबू जी मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने जो नीचे भेजा है वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए भेजा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो तो इंसान को भी अपना देखना चाहिए, सोचना चाहिए, बुद्धि दे रखी ऊपर वाले ने तो कि हाँ भाई मैं क्या करूँगा क्या नहीं वो है जी। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं जी, मैं तो सिर्फ पेंट का काम करता हूँ। पेंट करते हैं? हाँ पेंट का काम करता हूँ, अंगूठा छाप। अंगूठा छाप है जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो बच्चे जो है ना, सच बताइएगा। हाँ पाँच बच्चे हैं। पाँच बच्चे हैं? कितने लड़के और कितने लड़के? तीन लड़की दो लड़के। तीन लड़की दो लड़के। अच्छा घर का गुजारा चल जाता सही? हाँ ठीक है, अपने जो है ना बस एक बच्चे बराबर सी के हो गए छोटे छोटे से काम पे जो है ना अपने ले रखा है, एक बच्चा 18 साल लगाएगा अपने साथ ले रखा, उससे जो है ना छोटा जाएगा उसको मकबत तू तो पढ़ ले हम तो जैसे कैसे हो गए हो ही गए कम से कम तुम तो ऐसे हो जाओ अपने सेन तो कर लो। नहीं मैं जो है ना कहीं जागरूक जैसे हरियाणा पंजाब में काम करने जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ जो है ना पढ़े लिखो साहब के बाकी वह फला झगड़ा मुझे गाड़ी कहाँ, तो बहुत सारा देख के कहने रहता हूँ के बाद मगर बेटे ऐसा ही हो रहा है साहब तू बात ना। आगे जो आने वाले बच्चे हैं उनको दो दो बच्चे? हाँ बस मेरे साहब। आपने तो गलती कर दी पाँच होगी क्या करा जा, गलती हो गई गलती समझ लो या कुछ भी समझ लो, देखो जब तक आदमी को नहीं ठोकर लग क्या कल आती है भाई साहब। जो अभी योगी की सरकार है कैसे काम कर रही है? ठीक है जी, काम तो बढ़िया लेके चल रही है सरकार, ऐसी बात नहीं, बढ़िया लेकर चल रही है, बहुत बढ़िया काम लेके चल रही है। देखो रही महंगाई कर उसकी बात, पर वे भी तो जाए ना विकास के लिए कुछ ना कुछ तो कहीं दबी देगा जब भी तो कुछ करेंगे ना, कुछ पाने के लिए कुछ होना ही पड़ता है। लेकिन ओवैसी जो है ओवैसी को जानते हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी जी जी, वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आने देंगे और ऐसे बच्चों को नहीं रोक सकते। पढ़े लिखे इंसान है उनका बारे में हम इतनी नहीं जानते, हम क्या कह सकते शहजाद इस बारे में जी? हम तो इस बारे में ये कहेंगे नहीं भाई अपने हिसाब से लेके चलो काम को, जिससे कि अपना भी ठीक हो जाए अपने बच्चों का भविष्य ठीक हो जाए, बस इतना है। मोहम्मद साहब के पास दोबारा चलते हैं। अच्छा मोहम्मद साहब आप कह रहे थे कि देखिए ऊपर वाले ने भेजा है कि बच्चों को नीचे जाइए जनसंख्या बढ़ाइए, ये शहजाद कह रहा है कि नहीं बच्चे दो ही होने चाहिए ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। सर जी वो गलत कह रहा। गलत कह रहा है? हाँ दोनों ऐसे तो पाँच मरने के तो 15 मान तो इतना सोचेंगे कि अगर दो बच्चे हैं दोनों ही वैसे कोई आपदा आ जाए तो 15 हो 15 भी। अब हम तो उसमें निर्भर हैं जी ऊपर वाले का, वो बगैर बाप के भी पैदा कर दे बगैर बाप के। हाँ ये कौन सी नीति है थोड़ा समझाइए। हाँ, ये तवारीख है जी। तवारीख कैसे? एक फल आ रहा था जमुना गंगा में बहता हुआ। अच्छा और उस औरत ने खा लिया। हाँ। उसी से उसका अमल रहेगा। वो तपस्या करती थी वहाँ बैठ के जाकर उसका नाम लेती थी और मालिक से कहती थी मुझे औलाद दे। कभी मर्द के दौरे नहीं गई टच नहीं किया। वो बहता हुआ सेब आया और उनने खाया वहीं से काम हो गया। नहीं मोहम्मद साहब जैसे महंगाई चीज़ें बढ़ रही हैं अब तो लगता नहीं है कि बच्चे दो ही अच्छे। अरे जितने हो जाए उतने ही बढ़िया। जितने हो जाए उतने बढ़िया। 10 लटली कड़का होंगे जिसके 10 बच्चे घर में होंगे। कोई दुख तकलीफ होगी अस्पताल में
पांच खड़े हुए होंगे। अच्छा, और जिसके दो ही हैं वो दो ही एक दवाई लेने के चक्कर में एक वहाँ फंस जाएगा। सर जी, परमात्मा पे विश्वास करो, दाता को मानो, ईश्वर को मानो, खुदा पाक को जानो, ये तो सब होता रहे हैं तो। लेकिन अब योगी तो कह रहे हैं कि भैया अब तो टाइम आ गया है, अब तो कह रहे हैं रोकेंगे बस जनसंख्या। हाँ, बढ़िया कह रहे हो, योगी बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, सरकार भी बढ़िया चला रहे, मोदी भी बढ़िया चला रहे, हम ये नहीं कहते कि बढ़िया नहीं चल रही। हाँ। इससे पहले ऐसी सरकार 70 साल में मैंने देखी ही नहीं, योगी जैसी सरकार। हाँ, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने बदमाशों को तो लगा दिए ठिकाने। हाँ। और दादाओं को पूछा दिए कब्रिस्तान। अच्छा। गलत कह रहा है, सही कह रहा सर जी? दी बेटी को कोई भी कहीं भी टच कर लेता, अब टच तो टच, आंख भर के भी नहीं देख सकता योगी की सरकार में। हाँ, हम राजी हैं उससे, खुश हैं। खुश हैं? हाँ, हम तो यूँ कहें 24 में भी वही आवे। 24 में भी वही आवे? हाँ जी, 24 में तो कह रहे हैं यहाँ से इकरा हसन चुनाव लड़ेगी। हसन, अरे भाई वो तो यहाँ के चौधरी हैं, वो तो लड़ो ना लड़ो जब भी मालिक हैं। मालिक हैं, क्योंकि 84 गांव हैं हमारे कस्बे के चारों तरफ। हाँ। और वो गुजरों के हैं, उनकी बिरादरी है, फिर उन्हें कौन आटा भगा। तो इकरा हसन 24 में चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएंगी? भाई तो ऊपर ला जाने जी, हम तो कह नहीं सकते, अल्लाह पाक जाने। आप क्या, आप किसको वोट करेंगे अगर इकरा जीत लड़ेगी तो? हम तो उसे करेंगे, योगी को। इकरा को नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों, इकरा को क्यों नहीं करेंगे? हमने उनकी वो दादागिरी देखी है, वो दबदबा देखा है। किसका? इकरा जी के बाप का, चाचा होगा। क्या दादागिरी थी? मैं उनके सामने बोल रहा, जब ही दब लगा। अच्छा, लगता था। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो परमात्मा के दौरे भी पूछा देते थे। अच्छा, ऐसा करते थे? हाँ। देखा आपने सब? सुना सर जी, सुना है, देखा का मैं वहीं कटा था। सुना सर जी, ये सारी बात था, ऐसा सुना है।